बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अब हम नेगेटिव साइड से शुरू करते हैं, मनफी शख्सियत से निजात हासिल करना, टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिव थॉट। असल में देखिए कि शख्सियत के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब नेगेटिव को हमें बचाना है और पॉजिटिव को करना है, तो अभी तक जितने लेक्चर्स आप सुन चुके तो वो तो पॉजिटिव को डेवलप करने का था। अब जरा नेगेटिव पे भी हम फोकस करते हैं ना कि किन चीजों से हमें बचना है ताकि हमारी पर्सनैलिटी बेहतर हो। तो वो देखिए कि हमारा असल जो प्लान था वो यही था कि हमें ये सारे पहलुओं को डेवलप करना भी नहीं कि जो नेगेटिव होंगे तो इससे हमें बचना भी है। ये अब इसका मैप अर्ज कर देता हूं, मनफी शख्सियत से जो निजात, जिन चीजों से बचना है। ये एक पूरा आपके सामने दुनिया परस्ती और आखिरत फरामोशी का एक शौक होता है कि बस ये आखिरत की क्या जरूरत है, इस दुनिया में हम ले लें सब कुछ। तासुब, ज़हनी गुलामी, रियाकारी और मुनाफकत, ज़ाहिरी परस्ती, करप्शन, गीबत, बदगुमानी और तजस्सुस, तकबुर, अजियत रिसानी, इंतहा पसंदी, फसाद फिलर्त, फहाशी और उरियानी, हसद और बुगज, ये सारे नेगेटिव हैं। ये कंप्लीट लिमिट नहीं है, आप इसमें और भी ऐड कर लें तो ये आप जैसे करेंगे इसमें आपको ही बेनिफिट होगा। जितना ज्यादा और भी नेगेटिव इफेक्ट हैं, इन सब को सोचने के जिनसे हमें बचना। अब हम स्टार्ट पहले स्टेप दुनिया परस्ती और आखिरत फरामोशी से हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए वही हमारा जो मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, तो पहला क्वेश्चन अर्ज कर देता हूँ, तालिब इल्म की जिंदगी से हर इंसान को क्या सबक सीखना चाहिए। इन्हें देखे ना स्टूडेंट, आप भी थे, मैं भी था और अभी भी हूँ, तो हम ये करते थे कि शुरू में जैसी लाइफ हमारी गुजरती थी उससे कोई फायदा हुआ है, मैं कोई सबक हासिल। दूसरा क्वेश्चन है कि हम में से बहुत से लोग आखिरत के मामले में बेपरवाह और दुनिया के मामले में बहुत होशियार और चाक और चौबंद होते हैं, तो इस रवैये की वजह क्या है कि अभी तुम आखिरत को इग्नोर क्यों कर रहे होते हैं और दुनिया के पूरे बेनिफिट को हम हासिल करना चाह रहे होते हैं, तो इसकी कोई रीजन तो होनी चाहिए ना, लॉजिकली सोच लीजिए। इसमें बाज लोगों पर ऑफिस में बॉस की तरफ से प्रेशर नहीं भी होता फिर भी वो लेट सेटिंग करते हैं, क्यों करते हैं भाई, व्हाट्स द रीजन? यानी उसके लिए अपनी फैमिली को टाइम देना था, वो नहीं दे रहे, कोई अपना दीन और आखिरत के लिए कुछ करना था तो वो टाइम मैनेजमेंट, जैसे पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे, उसको इग्नोर हम कर ले तो क्या ख्याल है, ये कोई अच्छी ऑप्शन है हमारे लिए? लेट सिटिंग करने से इंसान की सेहत, फैमिली और रूहानियत पे क्या असरात होते हैं, हेल्थ कैसी रहती है? अगर हम पूरे रात को, हम 12-1 बजे तक रात को हम घर आ रहे हैं और सुबह 8 बजे फिर हम निकल के आए, तो हमारी हेल्थ पे क्या असर आता है, फैमिली पे और रूहानियत, कोई अच्छा असर आ रहा है या नेगेटिव, इस पर सोच लें। जब इंसान आखिरत को फरामोश कर देता है तो इसके क्या नतायज इसकी शख्सियत पर रोनमा होते हैं? एक दुनिया परस्त इंसान की शख्सियत की खसूसियत कैसी होती है, ये भी एक लिस्ट आप सोच लें, जो थोड़ी सी अभी भी हमने अर्ज की एक लिस्ट, कुछ और भी आ जाती होंगी, ये अब आप खुद सोचिए। इंसान अपने अमाल की जवाबदेही के बजाय किसी की सिफारिश के सहारे आखिरत का मैदान क्यों पार करना चाहता है? बहुत से इंसानों की होती है ना यार, एक सिफारिश के जरिए चलो जी प्रमोशन हो जाएगी, मुझे ये जॉब मिल जाएगी, और ऐसा ही आखिरत के लिए भी लोग कर रहे होते हैं, चलो यार ये हो जाए, अल्लाह ताला से कोई ना कोई हमें पहुंचा देगा जन्नत में। और जो लोग नहीं मानते तो छोड़ो उनकी बात को, बाज लोग जन्नत में एक शॉर्टकट ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, वही शॉर्टकट होता है जिसे हम सिफारिश
कहते हैं। ये अब जो मेरी बुक आप अगर पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो इसमें तामीर शख्सियत में जिन लोगों के हालात बयान हुए, कोई बहुत से ऐसे केस स्टडीज आपकी खिदमत के लिए अर्ज कर दी है, इसकी बुनियादी गलती क्या, कहीं हम भी इस गलती में मुब्तला तो नहीं। एक बहुत सारे केस स्टडीज जैसे अभी लेक्चर्स में पहले भी आ चुके, आगे भी आएंगे, कि जनाब कोई गलती किसी ने क्या की है तो वो गलती हम भी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो भी छूट जाना चाहिए हमें। तो ये कुछ मशवरे यहीं से अर्ज आएंगे। अब आते हैं, ये मेरे एक दोस्त डॉक्टर अकील साहब ने, ये वही जो क्वेश्चन था कि एक स्टूडेंट्स जैसी जिंदगी होती है, तो इससे थोड़ा सा हम सोचते हैं और अभी भी हम वैसे ही हैं तो क्या फर्क है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि 18 इयर्स तक अपने बीएस एमएस फिर उसके बाद पीएचडी के लिए कोशिश करते हैं। अब पूरा दिन रात क्या करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, बुक्स लिखते हैं, असाइनमेंट्स लिखते हैं, प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं, फिर एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे होते हैं। अब ये जवानी का दिन होता है, बिल्कुल धूप की हिद्दत को हम कबूल करते रहे, यानी फर्ज कर लें कि हम सब पढ़े लिखे, पढ़ते पढ़ने का शौक रखते रहे, सर्दी है तो तब भी हम बर्दाश्त करते और तब भी पढ़ रहे होते रहे, रातों में शब बेदारी करते हैं और उसके लिए दिन की सरगर्मियों को महदूद करते रहे, क्योंकि एग्जाम हमें पूरा करना है ना, पास करना है, और उसके लिए अच्छे ग्रेड्स हमें हासिल करने, उसके लिए क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, हम करते हैं, हम भी करते रहे हैं ना। हाँ, अगर हमें पढ़ने का शौक नहीं हो तो फिर अलग बात है, लेकिन कम से कम उनको देख लें कि जिनको पढ़ने का शौक रहा है और वो अच्छे ग्रेड्स लेना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। इस काविश के लिए अपने पेरेंट्स, दोस्त और रिश्तेदार, उन सबको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, अभी बहुत अच्छा, तुम अच्छी तरह ये पढ़ रहे हो, ये सही कर रहे हो। और अगर हम मिसाल के तौर पर ये नहीं करते और फेल भी हो जाते तो पेरेंट्स से जूते भी पड़ते हैं, हमें दोस्त भी हमें कुछ ना कुछ बदतमीजी तो कर रहे होते हैं ना। स्टूडेंट्स का मकसद क्या होता है कि एक तखयलाती ऑफिस, यानी एक बिल्कुल आइडियल किस्म का ऑफिस हमें मिल जाए जिसमें एसी भी हो, हम भी सीईओ बन जाए, ये जाहिर हमारी मकसद तो होता है ना कि हम अपनी कंपनी के ये बन जाएं। या मिसाल के तौर पर आप अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो मैं एक हॉस्पिटल का हेड बन जाऊं, या अगर आप एक टीचर बने हैं तो आप प्रिंसिपल बनना चाह रहे होते हैं। पर सुकून नींद ताकि हमें मिले, एक आलिशान गाड़ी मिल जाए, ये हर एक स्टूडेंट का मकसद होता है, ये एक मिशन होता है ना हर एक के दिल में। अहले ईमान की ऐसी जिंदगी भी इन स्टूडेंट जैसी होती है, हकीकत है। अगर हम अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं तो फिर जन्नत की हमारी ख्वाहिश तो होनी चाहिए ना, उसके लिए हम दोबारा ये स्ट्रगल अगर अभी तक नहीं किया तो अब कर लें, अभी मरते टाइम है कि जो स्ट्रगल जैसे स्टूडेंट कर रहा होता है, ऐसी जन्नत के लिए हमें अभी कर लेनी चाहिए। हमारी ख्वाहिशात कितनी होती हैं, मिसाल के तौर पर ज़रूरत, सहूलत और तायुश, तीनों किस्म की होती है ना, जिसे नीड जो हमारी ज़रूरत होती है, कन्वीनियंस के आसानी के साथ, आज़ादी के साथ, हम सुकून के सहूलत के साथ हम जिंदगी रहे, और एक बिल्कुल तीसरी लग्जरी की ख्वाहिश भी होती है। तो बताइए जन्नत के लिए अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या ख्याल है लग्जरी वाली जिंदगी ना आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि आपके लिए अनलिमिटेड लाइफ आने लगी है, और उसके लिए टाइम हमें पता नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि जनाब जैसे ही आपकी आप मर लेते हैं तो इसके फौरन बाद आपके लिए जिंदगी आ जाती है। अब उसके लिए जाहिर है कि अगर वो क़यामत है तब तक तो हम बिल्कुल सोते ही रहेंगे, उसके बाद उठेंगे तो हमारा वो रिजल्ट आ जाएगा, तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे अभी हम चंद
चंद मिनट चंद घंटे के लिए ही हम जिंदगी में रहे, उसके बाद अनलिमिटेड लाइफ शुरू हो रही है। तो उसके लिए अभी ये कुछ टाइम की जिंदगी अभी हमारी बाकी है, तो इसमें से हमें उस स्टूडेंट जैसी लाइफ बननी चाहिए। और उसके लिए हमें करना क्या है, सिर्फ इतना ही है कि एथिकली कुछ काम करने हैं और जो बुरे काम है उनसे बचना है, बस दैट्स इट, इतनी बात है। कुरान पाक में तो हमें यही इतना हमें बताया गया। अब हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या होता है, कि मिसाल के तौर पर हमारी ख्वाहिश होती है कि यार हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, या हम बिजनेस में एक बड़ी कंपनी के हम बिल्कुल हेड बन जाएं, बहुत अमीर आदमी हम बन जाएं, या मिलिट्री और पुलिस का हम हेड हम बन जाएं और लोग हमारे नीचे अंडर रहे, मेरा ब्रांड जो है मार्केटिंग का अगर आपको शौक है तो बहुत लोग खरीदने लगे ताकि हमें आ जाए, और फर्ज कर लें कि हम जो एक खाने की एक चीज हम सेल आउट कर रहे हैं इससे लोगों को कैंसर आ जाए, अगर कोई गुनाह हो भी जाए तो क्या हर्ज है इसमें, क्या कोई नुकसान होता है इसमें। अच्छा, आपने ऐसे केस स्टडीज कई लोगों की सुने होंगे कि जो ऐसी हरकतें करते रहते हैं और फिर साथ उसके बाद कहते हैं अच्छा यार सुना हुआ है उमरा कर ले तो सारे गुनाह माफ होते हैं, तो चलो जी जन्नत के लिए फिर भी हम उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, लोग करते हैं। मेरा टीवी चैनल कामयाब हो जाए, मैं एक मशहूर इंसान बन जाऊं और लोग हमसे मुतासर हो जाए, या मैं ऐसे मजहबी आलिम बन जाए और बहुत सारे लोग हमारे मुरीद बन जाए और मेरे पांव चूमा करें, ये देखें ख्वाहिश होती है ना लोगों में। या अगर मैं कोई दहशतगर्दी कर लूं और मैं एक बड़ी ताकत मेरे पास आ जाए तो क्या हर्ज है, अगर गुनाह हो भी जाए तो कोई बात नहीं, शफात तो है ना, तो इंटरसेशन हमें मिल जाएगी, हम फिर भी जन्नत में आ जाएंगे, तो लोग ये सोचते हैं। तो ये देखिए कि हकीकतन कार्ल मार्क्स जो फलसफी थे उनकी तरह हमें एक पूरा माशी हैवान जैसा होता है तो हम बन जाते हैं। क्या ख्याल है, ये कोई बड़ा अच्छा आइडिया है। अब देखिए हम कुरान पाक के साथ हम मैच करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, तो क्या हम ऐसे हैं या ऐसे नहीं है। तो देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलकद कतबना फिज ज़बूरी मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्दा أَرْضَيْ رِسُوهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَغْنَا لَبَلْغَ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ جنت کی زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ इसमें बड़ी खबर है इबादत गुजार बंदों के लिए, और ए रसूल हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमती बनाकर भेजा। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये जो पूरे क्वेश्चन मैंने अर्ज किए हैं, तो इसमें कोई अर्ज नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, ये बिजनेस के हेड बन जाएं, और या मिलिट्री के या हम पुलिस के हेड बन जाएं। ख्वाहिश तो हमें है सब में, और उसके लिए हम स्ट्रगल भी करते हैं, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, बस इससे हमें बचना। तो बस जनाब इतनी बात कि अल्लाह ताला ने इतनी ही हमें ये किया है। तो मजीद देखते हैं इरशाद हुआ कि हमें जन्नत अगर हासिल करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। वो यअबुदूना من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون۔ سورة يونس میں फरमाया कि ये अल्लाह को छोड़कर इन हस्तियों की इबादत करते हैं जो ना इन्हें नफा देती है और ना नुकसान, और वो ये कहते हैं कि ये खुदा के हुजूर हमारे सिफारशी हैं,
इनसे कह दीजिए कि क्या आप अल्लाह को वो बताते हैं जिसे वो आसमान में जानता है और ना जमीन में। ये लोग जो शिर्क कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की जात इससे पाक है। अब देखिए ना कि हम लोगों का कुछ न कुछ ज्यादती करते हैं, कुछ चीजें सेल आउट करते हैं या कत्ल कर देते हैं या ना करें तो करप्शन हम करते हैं, तो ये करने से हम सोचते हैं कि जनाब हमें चलो शफात मिल जाएगी तब भी जन्नत में हम वहीं पे पास हो जाएंगे। तो देखिए अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमा दिया, वत्तकु यौमल ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक्बलु मिनहा अदलन वला तनफउहा शफातुन वला हुम युनसरून। एहतियात कीजिए इस दिन से जब कोई आदमी किसी दूसरे के काम ना आएगा और ना इससे कोई बदला कबूल किया जाएगा और ना इसके हक में किसी की सिफारिश काम आएगी और ना ही इसे कहीं से मदद मिल सकेगी। तो ये आप खुद सोच लीजिए कि जनाब अगर हम ये सारी हरकतें करें तो क्या ख्याल है कि जन्नत में हम क्वालिफाई हो जाएंगे? कोई सिफारिश अल्लाह ताला ने बता दिया कुछ नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया कि इब्ने आदम को अगर एक वादी के बराबर सोना दे दिया जाए तो वह ऐसी दो वादियों की और ख्वाहिश करेगा। फिर आपने फरमाया कि इब्ने आदम का पेट तो कब्र की मिट्टी भर सकती है। यानी होता क्या कि हमें अनलिमिटेड ख्वाहिश आती रहती है, जितना बेनिफिट हमें मिलता जाए और ख्वाहिश होती और आ जाए। तो असल इस जिंदगी में तो यही होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह मैं जहन्नम की आग के फितने और अमीर रहने और गरीब रहने के फितने के शर से आपकी पनाह मांगता हूँ। यानी बहुत अमीर होने की जो ख्वाहिश, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ फंड आ जाए, करप्शन के जरिए हम कर लेते होते हैं, तो भाई इससे हमें बचना है भाई। और इस तरह गुर्बत से भी ये नेगेटिव होता है कि हम लोग तब भी करप्शन और चोरी डकैती उसकी तरफ हम लोग आ जाते हैं, इससे हमें बचना है भाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो आपके लेक्चर्स हैं और ये इंजील है, किताब मती, उसको इंजील कहते हैं, लेकिन इंजील असल में वो है कि जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इरशाद आते हैं। तो आप फरमाते हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही यानी जन्नत में दाखिल हो सके। तो उन्होंने भी वही बात की कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही बात फरमाई है कि भी दौलतमंद से मुराद यानी सिर्फ दौलत हासिल करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम करप्शन करके जो जो लोगों से फ्रॉड करके या नुकसान करके हम हासिल करते हैं, तो ये फरमा दिया गया कि भी हम जन्नत में नहीं जाएंगे, उसके लिए ये ज्यादा आसान है कि ऊंट जो है बिल्कुल सुई के नाके से बाहर निकला, वो ज्यादा आसान है बजाय इसके कि एक करप्शन करने वाला आदमी वो जन्नत में पहुंच जाए, तो वो अनप्रैक्टिकल। तो भाई इससे हमें बचना है भाई। कुरान मजीद में मजीद इरशाद हुआ, अल्लाह तजिरु वाजिरतुं विज्रा उखरा वल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ वन्ना सग्यहु सौफ युरा सुम्मा यजज़ाहुल जज़ाअल औफा। इस दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा और इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए इसने आजकल मेहनत की होगी, और इसकी ये मेहनत बहुत जल्द देखी जाएगी, फिर इसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यानी हमारे लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं है, बस उतना ही है कि जितना हम जैसे ही फौत होते हैं तो हमारे लिए समझें उसके फौरन बाद जन्नत या जहन्नम जो भी सिलेक्शन हमने किया है वो मिल जाती है। फिर मजीद हम देखिए लैसा बिअमानीकुम
वला अमानी अहले किताबी मैं यामल सुई यजबी वला यजद लहू मिन दूनिल्लाही वलिया वला नसीरा। ना आपकी आरजुओं से कुछ होने का है ना अहले किताब की। जो कोई बुराई करेगा इसका बदला पाएगा और वो अपने लिए अल्लाह ताला के मुकाबिल कोई कारसाज और मददगार नहीं पा सकेंगे। सूरतुल बकरा में इरशाद है, वकालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामन मादूदतन कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तकूलून अलल्लाहि मा ला تعلمون بلا من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। वो कहते हैं कि इनको जहन्नम की आग नहीं छुएगी सिवाय सिर्फ गिनती के चंद दिन के। तो पूछ लीजिए कि आपने अल्लाह ताला के पास इसके लिए कोई मुआहदा करवा लिया कि अल्लाह ताला अपने मुआहदे के खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, या आप अल्लाह ताला पर एक ऐसी तोहमत बांध रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ इल्म नहीं है। क्यों नहीं, जिसने कोई बुराई खरीद ली और इसके गुनाह ने इसे अपने घेरे में ले लिया तो कन्फर्म वही लोग जहन्नम वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब देखिए कुरान पाक में भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इरशादात से ये कन्फर्म हो गया कि जनाब जो भी हमने करना है उसका फाइनल रिजल्ट आना है। और ये जो को गुनाह हम कर बैठे हैं तो इसके लिए अल्लाह ताला ने वो भी हमें बता दिया रास्ता कि अभी तौबा कर लें तो वो डिलीट हो जाता है। अदरवाइज ये हम अगर समझें कि नहीं जनाब हम जो भी करप्शन कर ली, जो भी हमने लोगों से फ्रॉड कर लिया, तो फिर कोई बात नहीं जनाब शिफात हो जाएगी, जान छुट जाएगी। तो अल्लाह ताला ने बता दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बता दिया कि नहीं जनाब वो नहीं होगा, ये गारंटी भी दे दी कहीं जनाब। फिर तो हमें फिर तो ये भी कुछ अहदीस में हमें ये भी बता दिया गया कि जनाब हमने अगर किसी इंसान के साथ कुछ ज्यादती की है तो फिर हमारे पास उस वक्त का कैश नेकी होगी और हमारी लाइबिलिटी होगी गुना, तो हमें फिर अपनी नेकी अगले को देनी पड़ेगी, तब उससे माफ़ी मंगवानी पड़ेगी। और जो दूसरों और अगर हमारे पास नेकियां ना हुई तो उसके गुनाह पे आ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो फिर जूते हमें उनके जूते हमें खाने पड़ेंगे। तो अब देख लें भाई, सिलेक्शन हमारी है, डिसीजन हमारा। मजीद देखते हैं हम कुछ और इरशादात। यौम यकूमु रूहु वल मलाइकातु सफ्फल ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुल लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। अब ये देखिए कि ये वही शफात की बात इरशाद हुई कि जिस दिन जिब्रील और फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे, कोई बात नहीं करेगा मगर जिसको रहमान इजाजत दे और वो बिल्कुल ठीक बात ही कहे। यौमा इज़िल ला यनफ़ाउ शफ़ातु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व रदिया लहू कौला। इस दिन शफ़ात जो हमारी इंटरसेशन नफा न देगी सवाए खुदाए रहमान, जिसको इजाज़त दे और जिसके लिए कोई बात कहने को पसंद करे। यानी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चलें जी हम वो बुज़ुर्गों की वो जनाब हम उनके लिए हम बड़ी कोई हम वो कर रहे हैं और उनके लिए कर रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नातें कर रहे हैं तो वो हमारी शफात कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने बता दिया नहीं जी, वो अल्लाह ताला ही जब किसी को इजाज़त देगा, हाँ जी फलां बंदे की आप बात कर लें तो उसको कहोगे। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जनाब जिसने हमने उसकी हमारी नातों से कुछ नहीं होगा बल्कि होगा उसी से कि जो हमारा अमल होगा। तो अल्लाह ताला ने अगर हमारे कुछ छोटे मोटे गुनाह उसको माफ़ करना है तो वो किसी को कह देंगे कि हाँ जी चले आप उनके लिए कह लें, तो तब जाके वो हमारा निजात तभी होगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात देख लीजिए। ये सही बुखारी की हदीस है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए
और खयानत के बारे में, ये खयानत कहती करप्शन थी इसके बारे में गुफ्तगू फरमाई और आखिरत के नतायज के एतबार से एक गैर मामूली अहमियत का हामिल गुना करार दिया। अब तो फरमाया कि क्यामत के दिन में आप में से किसी शख्स के इस हाल में हरगिज ना मिल सकें कि उसकी गर्दन पर कोई बकरी लदी हुई हो और वो पुकार रही हो, या इसकी गर्दन पर कोई घोड़ा लदा हुआ हो और वो आवाज दे रहा हो। फिर वो शख्स कहेगा कि अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए, जिस पर मैं कहूँगा कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मुझे तुम्हारे मामले में अल्लाह ताला की तरफ से कोई इख्तियार नहीं, मैं तो जो हक पहचानना था तो मैं पहुंचा चुका था, या मैं आप में से किसी शख्स से इस हाल में हरगिज मिल नहीं सकूंगा कि जिसकी गर्दन पर कोई ऊंट लदा हुआ हो और वो कुछ बता रहा हो। फिर वो शख्स कहेगा अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए, जिस पर मैं कहूँगा कि मुझे तुम्हारे मामले में अल्लाह की तरफ से कोई इख्तियार नहीं, मैं तो जो हक पहुंचाना था आपको पहुंचा चुका हूं। या उसकी गर्दन पर कोई ऐसी शय हो जो खामोश हो, फिर वो शख्स कहेगा अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए, तो जिस पर वो मैं कहूंगा कि मुझे तुम्हारे मामले में अल्लाह ताला की तरफ से कोई इख्तियार नहीं है, मैं तो जो हक पहुंचाना था आपको पहुंचा चुका हूं, बस बात खत्म। या इसकी गर्दन पर चमड़े के टुकड़े होंगे, तो वो शख्स कहेंगे अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए, तो मैं यही कहूंगा कि मैं तुम्हारे मामलात में अल्लाह ताला की तरफ से कोई इख्तियार नहीं है, मैं तो बरक पहुंचाना था आपको पहुंचा चुका था, बात खत्म हो गई। तब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को भी बड़ा क्लियर आ गया। तो आपने अपने जमाने की, इन उस जमाने में वजन के हिसाब से लोग जानवर के हिसाब से करते थे कि चाहे थोड़ा गुनाह ही हो, कोई बकरी जैसा ही हो या कोई ऊंट जैसा हो या गधे जैसा हो या घोड़े जैसा हो या कोई और चीज हो, तो उसके लिए अगर हम शिफात के लिए जाएंगे भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देंगे कि नहीं जनाब, इसके लिए कोई इजाजत नहीं है मुझे, तो आप जाइए। तो हम फिर उस वक्त वो जो नाते हम करते रहे, जो भी करते रहे, तो वो सब हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात नहीं करेंगे। शिफात के लिए वही होगा कि जब जिसके लिए अल्लाह ताला ही देख लेगा, वो फैसला कर लेगा कि बंदे के जनाब गुनाह बहुत हल्के हैं, तो उसके लिए अल्लाह ताला फिर सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अंबिया कराम को उस वक्त कह लेगा, हाँ जी आप इनके लिए आप कह लीजिए, तो चलो उनके भी जो मुआफ करने तो वो कर देगा, जो अल्लाह ताला ही डिसीजन देना है। तो जनाब इसलिए हमने जो करप्शन की हुई है वो मुआफ नहीं होनी है, चाहे वो छोटी रकम है, चाहे वो कोई चमड़े के कोई टुकड़े हो, चाहे वो कोई ऊंट जितनी कोई करोड़ों रुपए की चीज ही हो, तब भी कोई उसकी कोई शफात नहीं होगी। तब ये देखिए कि वही जो क्वेश्चन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज किए थे कि जनाब हम चाहते हैं कि हम वजीर आजम बन जाए या हम मजहबी लीडर बन जाए और लोग हमारे मुरीद बन जाए और पांव चूमे, तो क्या ख्याल है कोई अच्छी चीज है? हम एक माशी हैवान बन जाते हैं। मेरे एक दोस्त अबू याया भाई ने एक आइडिया दिया था, तो अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया है कि हमने जबूर में नसीहत के बाद ये लिख दिया है कि जन्नत के जमीन के वारिस सिर्फ नेक बंदे ही होंगे। इसमें बड़ी खबर है इबादत गुजार बंदों के लिए, और ए रसूल हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमती बनाकर भेजा। तो जनाब डिसीजन हमारे लिए, अब ये जो नेगेटिव शख्सियत है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम देख रहे हैं, तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं कि जो हम लोगों का नुकसान जो करते हैं, तो इससे हमें बचना है। और अगर अब तक कर बैठे, एक तो अल्लाह ताला से तौबा कर लें और साथ ही उन बंदे का मसला भी हल कर लें, तो चलो वो तो सब जितना हो गया जीरो हो गया, अब अगला नहीं करना। बस जनाब ये है हमारा विजन। तो जनाब ये है जहन्नम के लिए नेगेटिव शख्सियत, जो शुरू से हम सामने आ रहा है, और जो पॉजिटिव है इसको हमें इख्तियार भी करना है, ऑप्शन हमारी मर्जी है, रिजल्ट भी हमारी डिसीजन पे ही होना। तो जनाब जो भी क्वेश्चंस हैं बिला तकल्लुफ आप ईमेल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।